अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा आज का टॉपिक है कि बच्चे इनक्यूबेटर में क्यों मर जाते हैं। सबसे पहली बात, अंडों से बच्चे क्यों मरते हैं, क्यों नहीं निकलते, या अगर बच्चा बन भी जाए तो बाहर नहीं निकलता, अंडे के अंदर ही मर जाता है। इसकी चंद एक वजूहात मैं आपको बताता हूँ। इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपको हमारे चैनल पर बहुत ही मुफीद और मालूमती वीडियो पोल्ट्री के और बिज़नेस के मुतल्लिक मिलेंगी। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ कि बच्चे क्यों मर जाते हैं। इनक्यूबेटर में अंडों से बच्चे ना निकलने की चंद हैं वजूहात मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली वजह, आपके अंडे जो हैं वो फर्टाइल होने चाहिए। दूसरे नंबर पर, आपका इनक्यूबेटर अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। तीसरे नंबर पर, अंडों का वज़न 45 से 60 ग्राम के दरमियान होना चाहिए। सबसे पहली गलती कि हम अंडे जो है वो परचेज़ करते हैं, उनको मुनासिब दर्जा हरारत पर नहीं रखा जाता, या इनक्यूबेटर में ह्यूमिडिटी का ख़ास ख्याल नहीं रखा जाता, ह्यूमिडिटी कम होती है। तो ह्यूमिडिटी की वजह से भी ये मामला देखने में आता है कि अंडों से बच्चे जो हैं वो नहीं निकल पाते। तो ये चंद एक वजूहात जो हैं, इनको मद्देनज़र रख कर अगर हम इनक्यूबेटर से बच्चे निकलवाएँ तो इंशाल्लाह रिज़ल्ट अच्छा आएगा। नमी का ख्याल रखें, टम्परेचर का ख्याल रखें तो रिज़ल्ट बेहतरीन होगा। इसके अलावा ब्रीडर मुर्गियों को कैल्शियम का ज़्यादा इस्तेमाल, इससे अंडों में अंडे के छिलके जो हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा सख्त हो जाते हैं। अंडों को रोटेट करने में कोताही, टम्परेचर का इनक्यूबेटर में यकसा ना होना, ये चंद अहम वजूहात थी जो मैंने आपको बता दी हैं। अगर इन पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह रिज़ल्ट भी बेहतरीन आएगा। तो देखते रहिए हमारा चैनल डॉक्टर बर्ड फार्मिंग, और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।